आज हम आगे सीखेंगे कि एक प्रगतिशील कलीसिया में जो तीन चीजें वहां पर थी, चार चीजें, सीखना और संगति करना, प्रार्थना में लोलीन रहना और परमेश्वर के राज्य के लिए देना, ये एक प्रगतिशील कलीसिया को एक नई गति देने के कार्य थे जो वो करते थे। इनके अलावा और क्या चीजें हैं जो हमें करनी है? उनके अलावा हम और क्या कर सकते हैं कि कलीसिया में हमारा जीवन उपयोगी हो सके और एक कलीसिया और भी प्रगतिशील बन सके, हमारी कलीसिया जो प्रभु ने हमें दी है वो प्रगतिशील हो सके, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम प्रार्थना करते हैं, हम सीख रहे हैं, हम देते भी हैं, हम संगति भी करते हैं, लेकिन उसके अलावा हमें और भी कुछ करने की ज़रूरत है। हम अध्याय 13 से आज सीखेंगे और 1 से 12 तक अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन अद्भुत रीति से लोगों तक पहुंच रहा था। दिन प्रतिदिन लोग प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण कर रहे थे, लोग आत्मिक रीति से उन्नति कर रहे थे, प्रेरित जगह जगह जाकर सुसमाचार सुना रहे थे और प्रभु यीशु लोगों की जिंदगियों में चिन्ह चमत्कार कर रहे थे और लोग परमेश्वर के दिव्य सामर्थ्य को देख पा रहे थे। जैसे जैसे कलीसिया आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे सताव भी उनके जीवन में आ रहा था। सताव के कारण हम देखते हैं कि स्तिफनुस ने जब परमेश्वर के वचन को सुनाया, जब सुसमाचार लोगों को सुनाया, उन यहूदी अधिकारियों को, यहूदी राजाओं को जब स्तिफनुस ने सुसमाचार उनके सम्मुख बताया तो परिणाम स्वरूप उसने अपने जिंदगी को खोना पड़ा। इस तरीके की क्रूरता उस समय के कलीसिया को सहनी पड़ी। और हम देखते हैं कि जो प्रेरित थे उनको जेल में भी डाला गया, उनको जेल में भी रहना पड़ा, उनको मार भी कई बार खानी पड़ी। याकूब को भी अपनी जिंदगी खोना पड़ा, याकूब को भी तलवार से उसको मार दिया गया था। और स्तिफनुस की मृत्यु के बाद में जो सताव कलीसिया के ऊपर बढ़ता जा रहा था, एक सीखने की चीज हमें ये मिलती है कि जिस परिस्थिति में लोगों को अपनी जान की चिंता करते हुए चुप बैठना चाहिए था, उनको पता था मसीही लोगों को कि अगर जिस प्रकार स्तिफनुस ने अपना मुंह यीशु मसीह के लिए खोला, उसने अपनी जिंदगी खो दी, उसी प्रकार अगर हम भी खोलेंगे तो हमारी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। उस सताव के बाद जब कलीसिया तितर बितर हो गई, जब कलीसिया इधर उधर बिखर गई, और वचन में ये लिखा है कि जो कलीसिया के लोग तितर बितर हुए थे वो जहां जहां पर गए उन्होंने वहां वहां पर परमेश्वर के वचन को सुनाया। हालेलुया। उस सताव की परिस्थिति में कलीसिया का रवैया ये था, उस सताव की परिस्थिति में कलीसिया का योगदान परमेश्वर के राज्य के लिए ये था कि अपनी जान जोखिम में डालकर वो परमेश्वर के राज्य के वचन की मुनादी हमेशा करता रहा। अध्याय 12 में याकूब के बारे में लिखा जिसे खत्म कर दिया गया, और अध्याय 8 में स्तिफनुस को अपनी जिंदगी को खोना पड़ा। और फलस्वरूप हम ये देखते हैं कि कलीसिया पीछे नहीं हटी, ना कलीसिया कम हुई, न कलीसिया ने अपने आप को रोका, बल्कि वचन हमें ये बताता है कि कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, परिपक्व होती गई, मजबूत होती गई। हालेलुया। सो 12 अध्याय तक हम इन चीजों को देखते हैं। 13 अध्याय में ये एक प्रगतिशील कलीसिया जो तैयार हुई थी, जो प्रारंभिक कलीसिया थी जो तैयार हुई थी, अध्याय 13 में उस कलीसिया का हम एक अगले पड़ाव में जाते हुए देखते हैं। वो कलीसिया एक अगले पड़ाव में जाती है, एक नेक्स्ट कदम, एक नेक्स्ट स्टेप वो कलीसिया लेती है। अध्याय 13 में अंताकिया की कलीसिया का जिक्र किया गया है, और आज हम इस वचन से सीखेंगे कि वो अगला नया पड़ाव क्या है, वो नया पड़ाव क्या था जो
उस कलीसिया में शुरू हुआ था, वो अगला कदम क्या था जो उस समय उस कलीसिया ने उठाया, उस समय के मसीही लोगों ने उठाया। सो हम प्रेरित 13 निकालेंगे, 2-4 में, जब वे उपवास सहित उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। हालेलुया। सो वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और जहां वहां से जहाज पर चढ़कर वो साइप्रस को चले गए। सो ये यहाँ पर हम देखते हैं कि कलीसिया, एक प्रगतिशील कलीसिया को तैयार करने के लिए, कि हमारी कलीसिया एक प्रगतिशील कलीसिया हो, उसके लिए अगला कदम क्या होगा, हम अंताकिया की कलीसिया से सीखते हैं। वो अगला कदम क्या था, उन्होंने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना। पवित्र आत्मा की आवाज क्या थी, परमेश्वर ने क्या कहा कि बरनबास और पौलुस को उस कार्य के लिए अलग करो जिस कार्य के लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हालेलुया। सो इस प्रगतिशील कलीसिया का अगला कदम यह था कि एक प्रगतिशील कलीसिया परमेश्वर की बुलाहट के प्रति समर्पित होती है। जो बुलाहट उन्होंने कलीसिया के ऊपर परमेश्वर ने प्रदर्शित की कि तुम्हें इन दो लोगों को मेरी सेवा के लिए अलग होना है, उन्होंने परमेश्वर की आवाज को नकारा नहीं, उसके प्रति जैसे ही उन्होंने सुना उन्होंने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। परमेश्वर की आवाज को उन्होंने समझा, परमेश्वर की योजना को उन्होंने समझा और उन्होंने बरनबास और पौलुस पर प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे और उन्होंने भेज दिया। इस वचन से हम सीख सकते हैं कि एक जो प्रगतिशील कलीसिया है, वो जो कलीसिया थी वो परमेश्वर की बुलाहट यानी कि उसके दर्शन यानी कि उसकी योजना के प्रति समर्पित थी। सो एक प्रगतिशील कलीसिया परमेश्वर की बुलाहट के प्रति समर्पित होता है। और जब हम देखते हैं कि जब उनके ऊपर हाथ रखे गए तो वहां पर बरनबास और पौलुस दोनों ने कोई सवाल नहीं किया कि हम, उन्होंने कोई भी बातचीत नहीं की, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बस जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना वो वहां से चले गए। परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए उन्होंने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, परमेश्वर की योजना को ध्यान में रखते हुए समझते हुए उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। उन्होंने उनको, उनके अंदर ये विश्वास है, उनके उनका ये समर्पण है कि जो हमें बुला रहा है वो विश्वास योग्य है, और उसकी आवाज को सुनकर वो वहां से निकलकर आगे बढ़े, प्रभु की सेवा के लिए आगे बढ़े। इसे हम सीखते हैं कि एक प्रगतिशील कलीसिया लोगों को सेवा के लिए बाहर भेजता है। हालेलुया। सो प्रगतिशील कलीसिया बनने के लिए हमें जो करने की जरूरत है, पहली बात तो ये कि हम परमेश्वर की योजना के प्रति समर्पित हो जाएं। परमेश्वर की सेवा के प्रति जब हम समर्पित होते हैं, वो समर्पण अपने आप में परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए हमें प्रेरणा देता है, और जो समर्पण आज्ञा मानने के लिए हमें जब प्रेरणा देता है तब हम उसकी सेवा के लिए आगे बढ़ने में कभी भी हिचकिचाएंगे नहीं। एक प्रगतिशील कलीसिया लोगों को सेवा के लिए बाहर भेजता है। हालेलुया। सो ये जो पौलुस और ये बरनबास है, इन लोगों ने कोई कुछ भी क्यों नहीं बोला, ये कह सकते थे कि हम नई जगह पे कैसे जाएं, बड़ा मुश्किल होगा, और लोग कहते हैं कि परमेश्वर की सेवा के लिए नए क्षेत्र में जाना, नई जगह में जाना कोई आसान बात नहीं है, और ये सही बात है कि आसान बात नहीं है, लेकिन इन लोगों ने कोई सवाल नहीं उठाया, जैसे ही परमेश्वर ने उन्हें बोला उन्होंने वैसे ही किया। ऐसा समर्पण जो इनके अंदर है, बिना सवाल उठाए परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना, बिना हिचकिचाए अपने कदमों को उस रास्ते पर ले जाना जो परमेश्वर ने हमें प्रदर्शित किया है, ऐसा संभव कब होता है? और ये चीज हमारे लिए भी है। परमेश्वर, मैंने बताया था पिछली बार, एक सामान्य बुलाहट हम सबके लिए है, एक एक के लिए जो यहां पर बैठे हैं, वो ये कि हमें उसके गवाह बनना है।
और उस गवाह ये बुलाहट जो पौलुस को बरनाबास को दी है ये हमारे जिंदगियों के लिए आज भी लागू होती है। लेकिन इस बुलाहट को पूरा करने के लिए हमें समर्पण चाहिए। ये समर्पण कैसे आता है, ये संभव कैसे होता है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं परमेश्वर की कलीसिया को एक प्रगतिशील कलीसिया का रूप देने के लिए। हम ये इस बात से हम ये सोच सकते हैं कि हम परमेश्वर की कलीसिया को एक प्रगतिशील कलीसिया का स्वरूप कैसे दे सकते हैं। कलीसिया परमेश्वर की है, कलीसिया परमेश्वर ने स्थापित की है। एक बात हम हमेशा याद रखें कि परमेश्वर अपने कार्य के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहता है। उसने हमें रचा है, हमें बनाया है उसकी महिमा करने के लिए, उसके कार्य करने के लिए। हम बाइबल की शुरुआत से देख सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने गुणों को, अपने स्वरूप को, अपनी व्यवहार को, अपनी सामर्थ को संपूर्ण सृष्टि में फैलाने के लिए उसने आदम को रचा। कि परमेश्वर की योजना ये थी कि आदम के मेरे द्वारा जो गुण, जो स्वरूप, जो छवि मैंने आदम के अंदर डाली है, वो छवि, वो स्वरूप, वो व्यवहार आदम के द्वारा उसकी अगली पीढ़ी में जाएगा और पीढ़ी दर पीढ़ी संपूर्ण संसार में फैल जाएगा। शुरुआत से देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना कार्य संसार में करने के लिए, अपने प्रेम को इस संसार में स्थापित करने के लिए मनुष्य को इस्तेमाल किया है। शुरुआत में आदम को इस्तेमाल किया, फिर हम अब्राहम को देखते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने आगे बढ़ाया, अब्राहम को इस्तेमाल किया। आगे बढ़ते बढ़ते हम कितने लोगों के नाम देखते हैं, यहां तक कि जब प्रभु यीशु मसीह भी इस दुनिया में आए, वो भी एक मनुष्य के स्वरूप में, एक मनुष्य की देह में इस संसार में आए। हमें कभी कभी सोचना चाहिए कि मैं सबसे अलग क्यों हूं। इस संसार में कितनी सारी चीजें हैं, रचनाएं हैं, और वचन भी कहता है कि इन्हें रचने वाला मेरा परमेश्वर है, यहोवा है, और मुझे रचने वाला भी मेरा परमेश्वर यहोवा है। हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी तुलना किसी और के साथ क्यों नहीं कर सकते, कि हमसे मिलती जुलती कोई और भी रचना है संसार में। नहीं है, परमेश्वर की सबसे अद्भुत रचना है हम। क्यों अद्भुत हैं, क्यों हम अलग हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसकी महिमा के लिए रचा है। परमेश्वर अपने प्लानिंग, अपनी योजना हमारे द्वारा पूरी करना चाहता है, इसलिए उसने आपको चुना है। हमने उसे नहीं चुना, वचन भी कहता है कि उसने हमें चुना है। अगर वचन ये कहता है कि उसने हमें चुना है, तो चुनाव तो किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है, ऐसे तो नहीं होता है कि नहीं? मानते हैं आप बात, इस बात को? जब परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया है, तो वो चुनाव किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। ऐसे ही उसने हमें नहीं चुन लिया, उसने हमें धोखे शुद्ध करके ऐसे ही इस संसार में नहीं रखा, उसने हमें चुना है एक विशेष उद्देश्य के लिए। इसलिए हमारे मन, हमारे अंदर एक बात हमेशा साफ होनी चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। मैं एक ऐसे संदर्भ से आता हूँ, एक ऐसे जाति से आता हूँ, ऐसी जगह से आता हूँ जहाँ पर प्रभु को जानने वाले कोई नहीं है, परमेश्वर ने मुझे चुना है। इसका मतलब कुछ न कुछ योजना परमेश्वर की जरूर है, और हम सब के लिए उसकी कोई ना कोई योजना जरूर है। परमेश्वर इंसान को, हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं कि बरनाबास और पौलुस को बुलाया गया है कि इनको अलग करो, मैं ये उस कार्य के लिए, जो कार्य मैंने दिया है उसके लिए इन्हें अलग करो। यहां पर परमेश्वर इन दोनों को चुन रहा है। लेकिन चुनाव ये संभव कब होता है, कब हम इस चुनाव, इस बुलाहट के प्रति समर्पण कब हमारे जिंदगी में आता है? जब आप अपने दर्शन को परमेश्वर से प्राप्त करते हैं। हालेलुया। क्या आप ये मानते हैं कि परमेश्वर ने आप, परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक विशेष योजना है? जो लोग मानते अपने हाथों को उठाइए। सब लोग
मानते इस बात को कि परमेश्वर के पास मेरे लिए एक विशेष योजना है। सो परमेश्वर की योजना के प्रति समर्पित रहने का जो भाव है, जो सामर्थ है, वो तब आता है जब हम अपने दर्शन को परमेश्वर से प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इन लोगों के अंदर इस दर्शन के प्रति समर्पण था, बिना सवाल किए ये लोग निकले, क्योंकि इनको पता है कि परमेश्वर की योजना क्या है, क्यों परमेश्वर हमें चुन रहा है, क्यों परमेश्वर ने कहा कि इनको अलग करके भेजो। वो भली भांति परमेश्वर की योजना को समझते हैं, उनको पता है कि परमेश्वर हमारे जीवनों के द्वारा क्या करना चाहता है। उन्होंने क्योंकि वो क्यों समझे इस चीज को, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त किया है, परमेश्वर की बुलाहट को प्राप्त किया है। नीति वचन 29 का 18 कहता है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। जहां दर्शन की बात नहीं होती, जिनके पास दर्शन नहीं होता, वो लोग निरंकुश हो जाते हैं। एक बात हमेशा है, अगर हम हमेशा से हम ये जान लेना चाहिए कि जब हम सेवकाई के किसी भी क्षेत्र में अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं, उसके लिए हमारे पास एक दर्शन होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए। जब तक हमारे पास दर्शन नहीं होगा, तब तक आप किसी भी कार्य को शुरू करोगे, आप बहुत जल्दी थक जाओगे, बहुत जल्दी आप हताश हो जाओगे। सेवा के किसी भी क्षेत्र में आप परमेश्वर से बिना पूछे, बिना कंफर्म किए कि परमेश्वर की योजना मेरी जिंदगी से ये है, मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर ये सेवा करना चाहता है, जब तक आप उसे कंफर्म नहीं करते, जब तक आपको दर्शन परमेश्वर की ओर से कंफर्म नहीं होता, तब तक आप उस सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ नहीं सकते। हमारे पास एक दर्शन का होना जरूरी है। जब हम एक दर्शन के साथ आगे बढ़ते हैं, तब हम अद्भुत रीति से इस्तेमाल किए जाते हैं। यहां पे लिखा, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और ये BSI का ट्रांसलेशन है। अगर IBP में पढ़ोगे तो इसमें लिखा है, ईश्वरीय प्रकाशन के अभाव में, यानी कि जहां पर परमेश्वर का प्रकाशन नहीं होता, वहां पर अभाव में लोग अराजक हो जाते हैं, मतलब हार जाते हैं। सो आगे बढ़ने के लिए, जैसे ये दो लोग आगे बढ़ गए एक प्रगतिशील कलीसिया के स्वरूप को और निखारते हुए, जैसे ये लोग आगे बढ़ गए, हमें उसके लिए दर्शन की जरूरत है। क्या आपको पता है कि आपका दर्शन क्या है? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर की क्या योजना है आपकी जिंदगी के लिए? जब हम दर्शन प्राप्त करते हैं, परमेश्वर की इच्छा खुद के लिए जानते हैं, तब वो दर्शन हमेशा हमारी आंखों के सामने होता है, और परमेश्वर उस दर्शन के अनुसार हमारा मार्गदर्शन करता है। यहां पर अंकुश शब्द आया है, निरंकुश शब्द आया है, कि जहां पर दर्शन नहीं होता, जिन लोगों के पास दर्शन नहीं है वो लोग निरंकुश हो जाते हैं। जैसे कि निराशा का विपरीत शब्द क्या है, क्या है? आशा। वैसे ही निरंकुश का विपरीत शब्द क्या होगा, क्या होगा? जोर से बोलिए ना, अंकुश। क्या होगा? अंकुश। सो यहां पर निरंकुश हो जाते हैं, जिनके पास दर्शन नहीं होता वो लोग निरंकुश हो जाते हैं, लेकिन जिनके पास दर्शन होता है वो लोग निरंकुश नहीं होते, उनके ऊपर अंकुश लगता रहता है। अंकुश क्या होता है आपको पता है? किसको पता है अंकुश क्या होता है? आपने देखा कभी इस चीज को? इसे अंकुश कहते हैं। कौन इस्तेमाल करता है इसे? जो लोग हाथी चलाते हैं, आपने देखा हाथी चलाने वाले लोग, उनको वो बोलते हैं महावत। देखे महावत आप लोगों ने, जो हाथी को चलाते हैं, जो हाथी को गाइड करने के लिए, हाथी को चलाने के लिए जो लोग ऊपर बैठे होते हैं, ये उनके हाथ में होता है। और जब हाथी को उन्हें लेफ्ट राइट ले जाना होता है तो वो इसके द्वारा उसको गाइड करते हैं। अगर उसको इधर जाना है तो इधर से इसको मारते हैं, तब उसको लगता है कि हाँ, उसको पता चलता है कि हाँ मुझे इधर जाना है। अगर उसको इधर जाना है तो वो इधर से अंकुश लगाता है, तब उसे पता चलता है कि मुझे राइट में जाना है। ये अंकुश
लोहे का बना होता है, तेज धार होती है इस पे, लोहे का बना होता है, तो उसको लगाते ही हाथी को पता चल जाता है कि मुझे कहां पर जाना है। जब हमारे पास दर्शन होता है, जिसके पास दर्शन होता है उसके ऊपर ये अंकुश लगता है, जिनके पास दर्शन नहीं है वो निरंकुश होते, यानी कि उनको गाइड करने वाला उनके पास गाइडेंस नहीं होता। जब हम परमेश्वर से खुद के लिए दर्शन प्राप्त करते हैं कि परमेश्वर की योजना को जब प्राप्त करते हैं कि परमेश्वर तेरी योजना मेरी जिंदगी के लिए क्या है, जब परमेश्वर अपनी योजना को हमारे ऊपर जाहिर करता है तब वो दर्शन हमारे कंधों पर आता है। हालेलुया। और जब वो दर्शन हमारे कंधों पर जो परमेश्वर हमें देता है जब हमारे कंधों पर आता है तब हमें उस दर्शन के अनुसार आगे बढ़ने की सामर्थ्य मिलती है, तब उस दर्शन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए हमें मार्गदर्शन मिलता है। जब दर्शन हमारे कंधे पर होता है तब हमारे ऊपर ये लगता है, जब भी हम दर्शन के विपरीत जाते हैं तब ये लगता है, हमें याद दिलाता है कि तेरे पास एक दर्शन है, तेरा जिंदगी इस रास्ते पर जाने के लिए नहीं है, तेरी जिंदगी में परमेश्वर ने अपनी योजना को जाहिर किया है, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने तुझे चुना है, ये अंकुश हमें याद दिलाता है। लेकिन कब? जब दर्शन हमारे कंधों पर होता है, जब हम दर्शन को लेकर चलते हैं। जिनके पास दर्शन नहीं है वो निरंकुश हो जाते हैं, उन्हें गाइडेंस नहीं मिलता, वो समझ नहीं पाते कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं। जब ये अंकुश आपके ऊपर लगता है क्योंकि आपने दर्शन को पाया है, जब ये अंकुश आपके ऊपर लगता है तब आप अपने जीवन में हर एक चुनाव को सही तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये अंकुश आपको बताएगा कि जो कार्य तू करने जा रहा है, जो चुनाव तू करने जा रहा है वो तेरे दर्शन के अनुसार सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो ये अंकुश हमें मोड़ के लाएगा। जो अपनी जिंदगी के चुनाव है हम सही तरीके से कर सकते हैं, हमें पता चलता है कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से हमें अपनी ज़िंदगी को चलाना है, हम तभी निर्धारित कर पाते हैं जब हमें दर्शन मिलता है। क्योंकि जब दर्शन आपको मिल गया वो दर्शन अपने आप में आपको गाइड करेगा। आपके पास दर्शन है कि आपको यहाँ से निकलकर हरियाणा में जाकर गाँव में जाकर सेवा करनी है, तो आपका दर्शन आपको क्लियर है और ये दर्शन के अनुसार आपको आगे बढ़ने में मुश्किल नहीं होगी क्योंकि आपको पता है कि आपको करना क्या है। जब कंफर्म है तब आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। जब दर्शन हमारे पास है तो अपने जिंदगी के चुनाव हम सही रीति से कर सकते हैं, हमारी फिर चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, हमारी शादी से संबंधित चुनाव भी क्यों ना हो, जब हमें पता है कि मेरा दर्शन ये है, मेरे भविष्य में परमेश्वर ने मुझे इस कार्य के लिए रखा है तो मुझे एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो मेरी बुलाहट में, जो परमेश्वर ने मुझे दी है, जो मेरी बुलाहट में मेरे कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सके, मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं। परमेश्वर की परमेश्वर का दर्शन आपके जीवन के हर चुनाव को क्लियर करता है कि हमें आपको क्या करना है। जब हमारे पास दर्शन नहीं होता, जिनके पास दर्शन नहीं होते वो बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं, सेवा कर रहे होते हैं लेकिन क्लियर नहीं है क्या करना है, बस इधर उधर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्लियर नहीं होता और वो सेवा के क्षेत्र में क्या होता है, बहुत जल्दी ठंडा महसूस करने लगते हैं और बहुत जल्दी वो हार जाते हैं। अगर हम अपनी बुलाहट को परमेश्वर से नहीं मांगेंगे, परमेश्वर से अगर हम अपनी बुलाहट को नहीं पूछेंगे कि परमेश्वर आपने कलीसिया को प्रगतिशील कलीसिया बनाने के लिए आपने मुझे जिस कलीसिया से जोड़ा है उस कलीसिया में सेवा के लिए आपकी मेरी ज़िंदगी के लिए क्या योजना है, अगर हम उससे नहीं पूछेंगे, नहीं अगर हम पाएंगे तो सच में
हम सिर्फ नाम के मसीह बन के रह जाएंगे। और वचन में ये लिखा है कि जो डाली फलती नहीं परमेश्वर उसे काट देता है। बिना दर्शन के हम फलवंत भी नहीं हो सकते, फल लेकर नहीं आ सकते, क्योंकि हमें दिशा नहीं पता कि हम किस दिशा में जाना है। नाम के मसीही परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर की महिमा हमारी जिंदगी से हो रही है या नहीं हो रही, हमें देखना है। हमें अपनी बुलाहट को कंफर्म करना है। परमेश्वर बताता है इनको, कब परमेश्वर ने बताया बरनाबास और पौलुस को, कब पता चला कि परमेश्वर ने उनके लिए ये सेवा रखी कि उन्हें बाहर जाकर सेवा करनी है? जब वो आराधना प्रार्थना में बैठे हुए थे, जब कलीसिया एकजुट होकर परमेश्वर की स्तुति कर रही थी, 13:1 में लिखा है, जब स्तुति प्रशंसा आराधना जब वो कर रहे थे, तब परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें बताया कि अब समय आया है कि आप इधर से निकल कर आगे बढ़कर जाओ। परमेश्वर हमें ऐसी जगह पर ले जाना चाहता है जहां पर उसके सुसमाचार को सुनाने वाले कोई नहीं है। अगर हम 13:1 देखें तो वहां पर शुरुआत ऐसा होती है कि वहां पर कुछ नबी थे, कुछ शिक्षक थे। सो वहां पर ऑलरेडी हैं, सिखाने वाले हैं, प्रेरित हैं, वहां पर नबी हैं। उनके लिए क्लियर था कि यहां पर तो है सिखाने वाले बरनाबास और पौलुस, तुम्हें वहां पर जाना है जहां पर सिखाने वाले नहीं हैं। हमें भी ऐसे सोचना चाहिए कि हमारे यहां पर तो है सिखाने वाले, मैं कहां पर जाके सेवा कर सकता हूं? परमेश्वर आप मुझे बताएं। और एक महत्वपूर्ण कारण और भी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी बुलाहट क्या है, हमारी जीवन के लिए परमेश्वर की योजना क्या है। एक कारण और है, वो क्या है? मत्ती 9:37-38 में लिखा है, तब यीशु ने चेलों से कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, फसल के स्वामी से विनती करो कि फसल काटने के लिए मजदूर भेज दें। हमारी बुलाहट का कंफर्म होना हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत से हैं जो ये जानना चाहते हैं, जो मुक्ति की खोज में हैं, जो लोग ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे मुक्ति पाएं, जो जानना चाहते हैं कि मुक्ति का मार्ग है कौन। यहाँ पर पकी हुई फसल का मतलब वो लोग हैं जो परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए तैयार किए हैं, और मजदूर का मतलब वो है जो उनको जाकर कोई बताए। बहुत से लोग हैं मुक्ति की तलाश में, मुक्ति की खोज में, लेकिन उन्हें कोई बताने वाला नहीं है कि यीशु मुक्ति दाता है। हमारे लिए जरूरी है अपनी बुलाहट को कंफर्म करना, हम जानें कि मेरी बुलाहट क्या है और हम आगे बढ़ें। हमारी सोच में बहुत मुश्किल लगता है। कौन कौन मानते हैं कि मुश्किल है कि बाहर जाकर ऐसी जगह में जाके सेवा करना जहां पर प्रभु को जानने वाले लोग हैं नहीं? कितने लोग मानते हैं? मुश्किल तो है, लेकिन हमें लगता है कि मुश्किल है, हमें लगता है कष्टदायक है, हमें लगता है कि बहुत कुछ हो सकता है। एक बहन के साथ हम उनके घर पे बैठे थे और हम बातचीत कर रहे थे। सो उस बहन को हमने अपनी गवाही बताई और उनको मैंने बताया कि आने वाले समय में हम यहाँ से चले जाएंगे और हरियाणा के गांव में जाकर, हरियाणा के जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जाकर, वहाँ के गांव में जाकर हम सेवा करेंगे। तो उस बहन ने कहा कि ये आसान नहीं है, और उसने मुझे ऐसा बोला कि आपको पता है कि मिशनरी लोगों को मार भी देते हैं। उन्होंने उस टाइम पे विलियम टिंडेल की जो मूवी देखी थी जिसको जला के मार दिया गया था बाइबल का अनुवाद करने के कारण। सो उन्होंने कहा कि भैया ये तो बहुत मुश्किल है, लोगों को मार भी देते हैं। मुश्किल तो है, लेकिन जब परमेश्वर का दर्शन आप अपने कंधों पर लेकर चलते हैं, उसे पूरा करने का सामर्थ्य भी प्रभु देता है। हालेलुया। और उस समय जब पौलुस और बरनाबास अपनी बुलाहट को लेकर निकले, उनका सफर कोई आसान नहीं था। उन्होंने इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लोगों ने उनका विरोध किया, उनको मारा पीटा गया, उनको पौलुस के बारे में लिखा है कि इसको अधमरा करके छोड़ दिया था, पथराव किए गए इनके ऊपर। लेकिन परमेश्वर की योजना को
समझते हुए ये आगे बढ़े। जब परमेश्वर के दर्शन को हम पाते हैं तो परमेश्वर उसे पूरा करने की सामर्थ्य हमें प्रदान करता है। सो हम ये बात याद रखें कि परमेश्वर के चुने हुए इस संसार में बहुत है, लेकिन उस फसल को काट कर परमेश्वर के भंडार में लाने वाले बहुत थोड़े हैं। हमें मुश्किल लगता है, परमेश्वर की योजना तो ये है। किसी ने बोला था, पास्टर जो कह रहे थे, क्या तूने पूछा परमेश्वर से कि तेरी योजना उसकी योजना क्या है तेरे जीवन के लिए? उस भाई ने कहा कि मुझे डर लगता है पूछने में, मुझे डर लगता है। डर की बात हमें लगती है, खतरनाक हमें लगती है, लेकिन परमेश्वर की बुलाहट हमारे लिए भली है, हमारे जिंदगी के लिए भली है। जब हम यिर्मयाह 29 उसका 11 पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, यहोवा यूं कहता है कि मैं उन योजनाओं को जानता हूं जिन्हें मैंने तेरे लिए बनाई है, ऐसी योजनाएं जो हानि की नहीं परंतु तुम्हारे कुशल की हैं, कि तुम्हें उज्जवल भविष्य और आशा दूं। हमें मुश्किल लगती है बुलाहट, हमें मुश्किल लगता है कि बाहर जाकर हम सेवा करें, लेकिन जब परमेश्वर की ओर से आप प्राप्त करेंगे, आप ये जान लें कि जो बुलाहट परमेश्वर ने आपको दी है वो आपके लिए भली है, और उन लोगों के लिए जो यीशु को नहीं जानते उनके लिए भली है। और वो बुलाहट किस लिए है? आपके उज्जवल भविष्य के लिए और अनंत जीवन की आशा के लिए आपको दी गई है। हालेलुया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पौलुस और बरनबास बिना सवाल किए वहाँ से निकल जाते हैं प्रभु की सेवा के लिए। और आज के समय में जो क्रूरता होती है वो तो कुछ भी नहीं है। उस समय की क्रूरता हम अपने दिमाग में सोच भी नहीं सकते, इतनी क्रूरता मसीहियों के साथ में की जाती थी। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की योजना को प्राथमिकता दी और परमेश्वर की अधीनता में होकर वो आगे बढ़े। एक प्रगतिशील कलीसिया कलीसिया के लोग अपने जीवन के हर एक चुनाव को परमेश्वर की योजना की अधीनता में होकर करते हैं। जब आपको दर्शन आपके लिए क्या है आप जब पता करते हैं, उसकी अधीनता में होकर आप अपनी जिंदगी के लिए योजना बनाते हैं, इसलिए आप निराश नहीं होते, निराश आपके जीवन में आ नहीं सकती। पौलुस कहता है, मैं निराश तो होता हूँ लेकिन मैं हताश नहीं होता। परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त करके आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाने की जरूरत है। यहाँ पे लिखा है, वो जानता है कि हमारे लिए उसके पास बुलाहट क्या है। जब हम देखते हैं कि ये प्रेरित लोग परमेश्वर की बुलाहट को ध्यान में रखते हुए, परमेश्वर की बुलाहट को प्राथमिकता देते हुए, जब वो उस कलीसिया से निकले आगे बढ़े, जब परमेश्वर की बुलाहट को इन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे ऊपर वाले स्थान में जब इन्होंने रखा और ये इस बुलाहट को सुनकर वहाँ से निकल पड़े, तब क्या होता है? हम 14:3 निकालेंगे, प्रेरित 14:3 पे लिखा है, इसलिए वे वहाँ बहुत दिनों तक रहे और प्रभु पर भरोसा रखे हुए निर्भयता से प्रचार करते रहे, और प्रभु उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवा कर अपने अनुग्रह के वचन की साक्षी देता रहा। हालेलुया। जब उसके दर्शन को आप प्राप्त करते हैं, जब उस दर्शन के अनुसार आप आगे बढ़ते हैं, तब परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको इस्तेमाल करता है। और एक सीखने वाली चीज आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा है, इसलिए वे बहुत दिनों तक रहे और प्रभु पर भरोसा करते हुए निर्भयता से प्रचार करते रहे, और क्या लिखा है, प्रभु कौन, और प्रभु उनके हाथों से, किनके हाथों से, बरनबास और पौलुस के हाथों से, क्योंकि वो परमेश्वर की बुलाहट के साथ आगे बढ़े हैं, दर्शन के साथ आगे बढ़े हैं, समर्पण के साथ आगे बढ़े हैं। यहाँ पे लिखा है, जब वो आगे बढ़े तो प्रभु उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवा कर अपने अनुग्रह के वचन की साक्षी देता रहा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, हम सब पात्र हैं जिन्हें परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है।
कलीसिया को स्थापित करना, कलीसिया को तैयार करना, कलीसिया को आगे बढ़ाना, कलीसिया को फैलाना, कलीसिया की जरूरतों को पूरा करना परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर करता है। लेकिन परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है। क्या आप परमेश्वर के उपयोगी पात्र बनना चाहते हैं? जो काम प्रभु ने इनके हाथों से करवाया, इसमें लिखा है, उन्होंने नहीं लिखा है, प्रभु उनके हाथों को, किन के हाथों को इस्तेमाल कर रहा है? प्रेरितों के हाथों को इस्तेमाल कर रहा है। जब आप अपने दर्शन को लेकर आगे बढ़ोगे, परमेश्वर सेम तरीके से आपके हाथों को इस्तेमाल करेगा। लेकिन क्या आप अपने हाथ देने के लिए उसे तैयार हैं? क्या आप अपना जीवन देने के लिए उसे तैयार हैं? उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवा कर अपने अनुग्रह के वचन की साक्षी देता रहा। हालेलुया। हमें सिर्फ उपलब्ध होना है परमेश्वर की सेवा के लिए। परमेश्वर की एक प्रगतिशील कलीसिया के लोग परमेश्वर की सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध होते हैं। जब हम उसकी सेवा के लिए उपलब्ध हैं, तब परमेश्वर हमारे हाथों को इस रीति से इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। जब हम उसकी बुलाहट के प्रति समर्पित हैं, उपलब्ध हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा उसके अनुग्रह के वचन की साक्षी खुद देता है। हालेलुया। हम सोचते हैं कि हम कैसे बोलेंगे, हम कैसे करें, क्या करेंगे, हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितने कितना वो बाइबल जानते हैं, कितना वो करते हैं, इन चीज़ों की ओर ध्यान न दे के अगर हम परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाएं, परमेश्वर को अपना जीवन दे दें, तो आगे काम परमेश्वर का है। उसको पता है कि आपको इस्तेमाल कैसे करना है। एक बार हम उपलब्ध तो हो जाएं, एक प्रगतिशील कलीसिया के लोग परमेश्वर की सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध होते हैं। और जब वो उपलब्ध होते हैं, तो इस रीति से परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करता है कि वो उनके हाथों को अद्भुत कामों के लिए इस्तेमाल करता है और उनके जीवनों को अपने वचन की साक्षी देने के लिए इस्तेमाल करता है। कलीसिया परमेश्वर की है, सेवा परमेश्वर की है, काम भी परमेश्वर करता है। लेकिन क्या हम इस्तेमाल होना चाहते हैं? क्या हम उपयोगी होना चाहते हैं? क्या हम वो पात्र बनना चाहते हैं जो परमेश्वर हमें बनाना चाहता है? जब आप अपनी बुलाहट को प्राप्त करोगे, जब प्रभु की कलीसिया को एक प्रगतिशील कलीसिया बनाने के लिए आपको अपनी बुलाहट को जानकर आगे बढ़ना बहुत बड़ा योगदान होगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? एक कलीसिया को प्रगतिशील, लगातार बढ़ने वाली कलीसिया, एक नए स्वरूप को तैयार करना, एक नई कलीसिया के ढांचे को तैयार करने के लिए आप जब अपनी बुलाहट को जानकर आगे बढ़ते हैं, जब आप अपनी बुलाहट को जानकर अपने जीवन को समर्पित करके सेवा में आगे बढ़ते हैं, तो एक कलीसिया की उन्नति के लिए आपकी तरफ से ये बहुत बड़ा योगदान होगा। हालेलुया। किस किस को समझ में आया? प्रभु की महिमा हो। सो हमारे लिए जरूरी है कि हम पूछें हमारे जिंदगी में परमेश्वर की मर्जी क्या है। अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। मैं मैंने हमने सीखा कि एक प्रगतिशील कलीसिया परमेश्वर की बुलाहट के प्रति समर्पित होती है और अपने समर्पण के फलस्वरूप उन्होंने लोगों को सेवा के लिए बाहर भेजा। परमेश्वर आज आपको भेजने के लिए तैयार है, लेकिन क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? ऐसा संभव कब होता है कि हम बाहर जा सकते हैं? वो तभी संभव है जब आपको ये पता हो कि परमेश्वर ने मुझे किस सेवा के लिए चुना है। आपका दर्शन जब आप परमेश्वर से प्राप्त करते हैं। बिना दर्शन के, बिना विजन के हम सेवा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर हम बढ़ाएंगे भी तो हम सफल नहीं हो सकते। परमेश्वर की योजना हमारे लिए भली है और उसके पास वो योजना है जो उसने हमारे लिए रखी है। उस वो योजना क्या है वो जानने के लिए हमें परमेश्वर के चरणों में जाने की जरूरत है। एक प्रगतिशील कलीसिया के लोग अपने जीवन के हर चुनाव को परमेश्वर की योजना की अधीनता में होकर करते हैं। हमें देखना है इसके अनुसार कि हमारे चुनाव कैसे हैं।
क्या हमारे चुनाव ऐसे हैं जो कलीसिया को एक नया रूप दे सकते हैं, जो कलीसिया में एक नएपन को ला सकते हैं? कैसे हैं हमारे चुनाव? क्या चुनाव, हमारे चुनाव कलीसिया पर क्या असर डालते हैं? हम देखते हैं जब वो बुलाहट को प्राप्त करके परमेश्वर की योजना को जानकर जब आगे बढ़े, परमेश्वर ने उन्हें अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया, उनके हाथों से अद्भुत काम करवाए और अपने अनुग्रह के वचन की साक्षी उनकी जिंदगियों के द्वारा परमेश्वर ने लोगों के सामने प्रकट की। आज उसी सामर्थ्य से, उसी अभिषेक में परमेश्वर आपको खड़ा करने के लिए तैयार है। अंतिम सवाल, अंतिम बात यह थी कि प्रभु की कलीसिया को प्रगतिशील बनाने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि परमेश्वर ने मुझे क्या बुलाहट दी है, मैं कलीसिया में क्या कर सकता हूँ, मुझे परमेश्वर ने कौन सी जगह जाने के लिए बोला है। हमारे लिए आखिरी सवाल है कि क्या आपने परमेश्वर से पूछा है कि प्रभु मेरे जीवन के लिए तेरी क्या योजना है? क्या आपने कभी पूछा है कि कौन सी सेवा करने के लिए प्रभु आपने मुझे चुना है, कि आपने कौन सा स्थान मेरे लिए रखा है कि प्रभु जाकर मैं तेरी सेवा करूं? हमारे लिए ये सवाल है, एक कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए कलीसिया के एक एक सदस्य का योगदान एक बड़े कार्य को रूप देता है। और एक कलीसिया होने के नाते हम अपने आप से पूछें कि मैंने क्या परमेश्वर की योजना को जानने के लिए कभी प्रार्थना भी की है? अगर नहीं की तो आप अपनी आंखों को बंद करें और अपनी आंखों को बंद करके